अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे क्या कहने मियां वाह। नाज़रीन, अगर हम अपनी सियासत पे नज़र डालें और सियासतदानों पे देखें तो हमें पता चलता है कि अक्सरियत के पास जो है वो लॉ की डिग्री है, सियासत की डिग्री नहीं है। अगर हम माजी में देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जो हैं वो सब के सब जो हैं वो कानून के माहिर थे, और अगर हम आज के दौर में देखें तो ओबामा और प्यूटन सब के सब जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट हैं। और हम अगर पाकिस्तान की सियासत देखें तो बड़े बड़े जय्यद किस्म के बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो सब के सब माहिर कानून हैं। क्या बात की है काशिफ पटियालवी साहब आपने, कैसा चेंज है जिंदगी का। अच्छा जी, कि अगर मैं गुलूकार ना होता, प्यारे खान ना होता, तो यही प्यारे खान बहुत अच्छा वकील होता है। मैं वकील नहीं लग सकता यार। Absolutely not। एहो जे वकील अदालत खलोता भी ना, जज पूछे हां भी आपका केस क्या है, कुछ नहीं सर ताडे कोल 2000 उधार लेना है। अगर मेरे उस्ताद जी वकील होंदे ते दुनिया दा वाहद वकील होना सी, जेदी जिरा दे उत्तों पैसे लोगों ने सुटने आए, हाय हाय, और गाने गाने करने से तू जो मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कह दा परे परे, फीस दे के वकील तो कौन डरे, फीस दे के वकील तो कौन डरे। और अगर मैं वकील हुंदा, हाय हाय है, तुसी मजा लवो के मैं दलाइल देने सी ते जज साहब ने को भला की कहना सी, क्या सुभान अल्लाह क्या कहने खान साहब आपको। हाँ साहब, वैसे अगर आप वकील होते ना तो आप वाहिद वो वकील होते जिसके पास एक अदर चुकनाइजर भी होता। बात सुने, आप लोग मजाक कर रहे हैं लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये जो गायकी है, ये जो सिंगिंग है, ये तो किसी में भी आ सकती है, ये सिर्फ आप लोगों की मिरास नहीं है। एक अच्छा वकील जो है वो अच्छा गायक भी हो सकता है, एक अच्छा जज जो है वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकता है, और यहाँ पे तो हाकिम जो है बहुत से हाकिम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सुरीले भी हैं। कमरा अदालत दे विच खान साहब दी की जुगलबंदी होने करनी सी, इन्होंने जजल मुंह करके कहना सी दागड़दा 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 गजिंका गज गज गज। मैं सिर्फ पता ही करना सी ये पत्तों की दा रहा है। यार जिंदगी गुजर गई आपकी इनके साथ और आपको अब पता चला। जिसको आप कह रहे हैं आपको अब पता चला वो आप है। फिर एक दिन जज साहब ने इनको कहना था कि तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए प्यारे खान आपको फांसी की सजा दी जाए। खवातीन आजाद, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है बहुत मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनालिटी है इनकी, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पायनियर की वर्कर हैं, आप मेंबर पंजाब असेंबली हैं और पीटीआई से आपका ताल्लुक है। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ज़ैनब उमर। और उनके साथ जो दूसरे सुपर जूपर मेहमान है बहुत ही सुरीले हैं, एक तो बट हैं लेकिन बट के साथ साथ वो सुरीले भी हैं, और उनकी आवाज का जादू जो है ना सिर्फ हमारे मुल्क में बोला गया बल्कि बैरून मुल्क में भी, बल्कि हमारे हमसाया मुल्क में भी कामयाबी के झंडे गाड़ के आए। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली फराज बट। जैनब साहिबान, बट साहब, वेलकम टू तंजो मजा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं और सियासतदान भी होते हैं ये सब नून लीग में होते हैं, ये आप पीटीआई में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले एहतजाजन एक बात जरूर रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। जी जी जरूर। कि जिस दिन प्यारे लाल ने डिग्री ले ली वकालत की उस दिन मैंने अपनी डिग्री जला देनी है। यकीन करें कि आपकी डिग्री बच जाएगी, क्योंकि प्यारे लाल जो है इस उम्र में कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल 27-28 के हो गए हैं तो इसलिए आप लॉ में दाखिला नहीं ले सकते। शुक्र है अल्लाह का 27-28 के तो इनके पोते हो चुके हैं। 127 का वो 128 का वो दशमनी यह जो बंदा नासा नु खत लिख देता हूं कि चांद पे पिज्जा डिलीवर करने के कितने पैसे।
वैसे आपने बड़ी एक अजीब बात की है कि नून लीग में बहुत सारे वकील हैं। मुझे तो एक बात है, मुझे तो नहीं पता कि नून लीग में कितने वकील हैं, लेकिन मैं इतना जरूर वकील बुखारी वकील अता तारा वकील, जिन तीनों के आपने नाम लिए वो काफी लोगों को टेरिफाई करने के लिए उन्होंने रखे हुए, ना कि वकालत के लिए। तो जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं तो राइट फ्रॉम द डे वन पीटीआई में भी हूँ। जहां तक प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं, वो भी मेरा, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ। पंजाब में एक बहुत शदीद किस्म की अफवाह गर्दिश कर रही है कि पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये अफवाह ही है या ये भी बाकी अफवाहों की तरह एक दिन सच साबित होगी? देखें, दो बातें होती हैं, एक तो अफवाह होती है और एक ख्वाहिश होती है। ओके। आपने देखा कि पिछले चार महीने जिस तरीके से गुजरे और उन चार महीनों में उनकी ये हमेशा से ख्वाहिश रही। आपने देखा कि हमजा शरीफ बेचारा, उसने तीन दफा हलफ उठाया, सब कुछ चूंकि गैर कानूनी था, वो अपनी पूरी जिंदगी में अपने नाम के साथ एक्स वजीर आला नहीं लिख सकते। इतना दुख तुसी बचाया, ओ इस दुख तो बेचारा लंदन ही चला गया। हाँ। अच्छा मियां, आपके घर कहीं अंडे तो नहीं थे फ्री के आते? क्यों मियां, मुर्गियां तो आती होंगी। क्यों मियां यार, इतनी सपोर्ट नहीं कोई करता वैसे। वाह, बात बारीक थी पर मजमा कूड़ था। असल में वो अंडों के साथ में कुकड़ी भी कहना भूल गए। मैं जरा लेडीज का एहतराम। डार साहब वापस आ गए, वो आके जनाब फिर वजीर खजाना बन गए हैं। आपकी सिर्फ बातें ही हैं और ऊपर से खुशियां मना रहे हैं। कहते हैं मैं और अंजलिना जूली इकट्ठे आए हैं पाकिस्तान। बात ये है कि डार साहब के आने से एक फायदा तो हो रहा है भाई, डॉलर जो है वो थोड़ा सा नीचे तो आ रहा है पाकिस्तानियों, फायदा हुआ ना? क्या कहेंगी? होएगा होएगा बाजी, देखें इनको पूरा पता है बाजी। अच्छा, मान जो होएगा डॉलर, तो ये डॉलर की शॉपिंग कर रही है, डॉलर देखिए करी। नहीं नहीं, एक बात, प्यारे खान साहब जो है डॉलर की बातें कर रहे हैं। जिस दिन तुसी शॉपिंग करन जानी है ना, उस दिन मैंने दसना था। देखिए बात ये है कि जो इसहाक डार साहब आए हैं, और ये इसहाक डार साहब कभी भी ना आते अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट नून लीग की ना बैठी होती। भाई साहब ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी सुरीली एक्टिविटीज जो हैं वो कैसी जा रही हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और बल्कि मैंने तो एक वॉल्यूम ऊंचा करो। अच्छा जी, डोरे ने जी मैं सुन तेनू नहीं रहा डोरा मैं। ऑनलाइन भी बच्चों को सिखाता हूँ और कुछ स्कूल्स में भी। अच्छा वैसे देखा ही क्या कि आपने माशाल्लाह जब इंडिया में परफॉर्म किया शो के अंदर तो बहुत जबरदस्त, आपने बहुत पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, ताली होनी चाहिए इस बात पे। आपको क्या लगता है वो मुंबई का वाकया अगर ना हुआ होता तो आपने बहुत कुछ परफॉर्म कर लेना था? जी ऑब्वियसली, कोई ऐसा सानहा हो जाना, कोई टेररिज्म या कुछ भी ऐसा, तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट भी उस पर सफ़र करते हैं। अब आर्टिस्टों के लिए जो वीज़ा पॉलिसी है वो उसमें थोड़ी चेंज हो जाती है। okay. हमारे जो शोज़ थे, जो लाइनअप थे, जो वर्ल्ड टूर था, वो सारा उसी की नज़र हो गया। अच्छा फराज बहुत अच्छा गुलूकार है। हाँ जी, लेकिन अगर मेरी खिदमत करे तो बहुत उत्ते जा सकता है। अच्छा वैसे खान साहब, अगर तुसी उत्ते चले जाओ ना, बड़े गुलूकारा दी खिदमत बच सकती है। मेरा दिल पता की करदा जी उस्ताद जी, मैं उत्ते कल्ला ना जावां, तू मेरे नाल होने। नहीं उस्ताद जी, मैनू थल्ले काम है, तुसी कल्ले जाओ। ये सफर कल्ले ही चंगा लगदा भाई। अगर आप दोनों की सलाह बन चुकी है तो चुकी से आपका वीजा लगा दूं। हाय वाह जी वाह, वाह जी वाह। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भट्ट साहब कुछ थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए प्लीज। आपकी बहुत सी तालियों में फराज भट्ट। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अरे वाह वाह, छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। वेलकम बैक। अपना मियां काशिफ किरानवी साहब जी, मोहतरमा जैसी अगर बाज़ौक मेहमान हमारे सामने बैठी हो हाँ जी,
तो आमद का सिलसिला है कि रुकता ही नहीं। और मोहतरमा ने क्या खूबसूरत ब्रेक में जो आशार कहे हैं जी, बहुत आला। अर्ज किया है कि इस कदर क्यों करना है इनकी? चल शेर क्या इस कदर टूट कर ना चाह मुझे, इस कदर टूट के ना चाह मुझे, तुझसे करना नहीं ब्याह मुझे, मुझको कौमी खजाना समझा था, मुझको कौमी खजाना समझा था, उसने यूं कर दिया तबाह मुझे। बनती है अब भी नहीं, जब भी बनती नहीं नहीं बनती है, थोड़ी सी तो बनती है, लेकिन बाद में डालेंगे। प्लीज तशरीफ रखिए। आप चाहते हैं कि आपको इस शेर की सचमुच दाद मिले? अरे वाह, ते खम्बे नु जब भी पा ते वतन की दाद। जैनब साहब एक बात बताइए, कानून में जब आपको पढ़ाया जाता है कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि सच का साथ ही देना या अपने क्लाइंट का साथ देना, क्लाइंट चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, बस उसको दिफा करना क्योंकि उसने तुम्हें फीस दे दी है, क्या ये होता है वकालत में? देखें बहुत अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तानी वकालत जो है ना वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा उसके डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, इस प्रोफेशन में बहुत चेंज हो गए हैं। मिसाल के तौर पे हम एक ऐसा कत्ल देखते हैं जो कि एक साबित होता है कि वाकई इसने कत्ल किया है, फिर उस कातिल को भी वकील मिलता है, क्यों मिलता है उस कातिल को वकील? देखें एक छोटी सी बात वो ये है कि ज़बानी काम कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, और जब आपने, और खास तौर से जब हम एक जज की बात करते हैं, यानी कि मैं अगर कहूंगी मैं जज साहब मैंने कत्ल किया है, नहीं 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 तुमने कत्ल नहीं किया, देखें हो सकता है मिलना चाहिए ताकि टाइम लगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि आप ये बात कह दें कि आपने कत्ल किया है, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आपने कत्ल किया है? क्या मैंने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है, क्या किसी ने मेरे ऊपर कोई हमला किया था? जज एक ऐसा शख्स होता है जो ये ज्यूम करता है कि उसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, और उसके सामने जब दो लोग आते हैं तो वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं। वकील ऐसे बहुत मशहूर होते हैं जो कहते हैं कि यार वो कत्ल का मुकदमा बड़ा आला लड़ता है, कातिल के लिए वो बहुत अच्छी फाइट करता है। लो उस्ताद जी, जिनियां कत्ल दियां सहूलतां मैं सुन लिया ना, तो अड्डा मिलते वाजिब हो। सही बात है। एक छोटा जिहा काम साढ़े मस्कीना का भी कर दो। उस्ताद जी ने एक मकान बनाया, ओदा रौला पे है, ओनू तो नबेट दियो। गल छोटी जी है काशिफ भाई, क्या इन्होंने प्लाट लिया? अच्छा, और तो दो मंजिला मकान बनाया। अच्छा, लेंटर सोहनिया टैला, वेरी गुड, सोहने खूबसूरत पौधे लगाए, वेरी नाइस। जिदन ये फीता कटन लगे अपने मकान का, अच्छा यानी इंटर होने लगे, इन्हों पता लगा कि इन्हों का प्लाट नाल है। मैं उस मालक नु जाके किया। अच्छा, मैं असल च किराए ते रहंदा सा। ओके, ओ मेनू कहंदा मेरा घर खाली कर। अच्छा, ते मैं उनू कहया भाई जान मेरे हाथ बहुत उत्ते तक जांदे ने, फिर उन्हें कह के चल जरा जाले भी ला के। हां अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे आज एक पाकिस्तानियों से एक बात करनी है। अक्सर जब आप सड़कों पर जाते हैं तो हर कोई शख्स आपको ये कहता हुआ नजर आता है कि तू मैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे पहुंच बहुत दूर तक है, और हम सब कुछ भी नहीं है, हम कख भी नहीं है, हम सब मट्टी से बने हुए हैं, और मट्टी को आकड़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए ये चीजें अपने अंदर से निकाल दें कि मैं बहुत पहुंचा हूँ, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। भाई तू कौन है, तू कख नहीं। यहाँ तो इस बात से लड़ाई हो जाती है कि वे ना की है। वो कहते जी मैं की क्या, तू कह के वे। इसी बात से लड़ाई हो जाती है। साडा पुल की ऐसा पिछो गड्डी मार के तो उन्होंने कहन डे होंदे ने अन्ना होया। एक बात बताइए, किस उम्र में जाके ये डायग्नोस हुआ था कि आप एक सुरीले फनकार हैं? सो व्हेन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन जैज आइकॉन, मोबिलिंग स्पॉन्सर था प्रोग्राम, रियलिटी शो था, जियो स्पॉन्सर था, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी, दे गेव मी अ कार, तो जो कार? जी एग्जैक्टली exactly. तीन पहियों वाली या चार पहियों वाली? चार पहियों वाली थी, पेट्रोल लेकिन वाली या पानी वाली? क्यों कार थी ये अल्लाह जे ओनू दे दंदे ते तू करते मांगदा। नहीं वैसे तो मुझे आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द जी टीवी सारेगामापा मिडिल ईस्ट, वहाँ पे भी एक फोर्ड फोकस की गाड़ी मिली थी। अच्छा, तो मुझे गाड़ी वाला भी, आप जीतने वहाँ आपको गाड़ी ही मिलती है जी। इंडिया में हैवी बाइक मिली थी हीरो होंडा की, वो था ना पेटी भाई। हाँ जी, हाँ, आज पेटी बहन आपसे सवाल करेंगी। अच्छा। जी प्लीज निम्रा सवाल कीजिए। पेटी बहन, एक तो माशाल्लाह आप इतने प्यारे बट होते ही प्यारे हैं, होते हैं,
और ऊपर से आप सिंगर, मजाक कर रही हैं। तो आप खाते ज्यादा या गाते ज्यादा? अच्छा, मैं वैसे पहले थोड़ा खा लेता हूँ ताकि फिर मैं गाता हूँ, क्योंकि जो रियाजत है और सिंगिंग है वो उसको डाइजेस्ट कर देती है, हजम नहीं, कर वो देती बाटी ने जो खाए ना। हाँ। और बगैर खाए हुए आप सुर लगाएंगे ना, अब एक वो राग कहरवानी है, वो जो उसका सुर है, और अगर हम बगैर खाए पी लगाएंगे तो वो, अभी मैंने फिर दोपहर का कुछ खाया नहीं है। एक बात है कि जब बट साहब गाते हैं तो लगता है खाया पिया है, जब बोलते हैं तो लगता है अजल से भूखे। सर वैसे अब वो खुराकें नहीं रही, जो देसी घी जो तरावत पहुंचाते हैं ना आवाज को, और उसमें जो पुख्तगी आती है, वो कच्चे सुर नहीं लगते उसे। अरे नाना, मैं सुबह तो कुछ नहीं खाता। इसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, एक है पेट से गाने वाला, एक सीने से गाने वाला, और एक गले से। क्या आगे डेफिनेशन है? जो पेट से गाता है वो भूखा है, जो गले से गाता है वो झूठा है, और जो सीने से गाता है वो सच्चा है। लेकिन आप कहाँ से गाते हैं? मैं तीनों के कॉम्बिनेशन से गाता हूँ, क्योंकि हमने दुनियादारी भी रखनी है। जो गले से गाता है वो झूठा है, और जो नाक से गाते हैं वो फिर हिमेश रेशमिया ही होगा। अच्छा फराज साहब, जब आप इंडिया में थे, मुंबई में आपके जब शोज वगैरह हो रहे थे, तो अटैक्स होना तब शुरू हो गए थे अचानक, तो वहाँ पर आप लोगों के साथ कैसा बिहेव किया गया और कैसा आपके लिए मुश्किल हो गई थी सिचुएशन? हमें एक तो बहुत थ्रेट्स भी थे, इंडियन गवर्नमेंट हमें सिक्योर भी कर रही थी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत वहाँ पे इज्जत मिली है, हमें बहुत यानी कि वहाँ पे सराहा गया है। हम ये भी नहीं कि वहाँ पे हमने स्टेज पे खड़े होके, मैंने बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी पढ़ी, अरे वाह, शाह हुसैन का काम, उनके लिए एक नई चीज़ थी वो। हाँ। बल्कि उन्होंने कहा भी कि आप ये क्या सुना रहे हैं, अगर कहें तो मैं आपको भी एक आध शेर। अल्फ अल्ला चंबे मुर्शद मन मेरे बिच, हाय हाय जियो भट साहब क्या बात है, लाए मुझे भी फोन आए थे इंडिया से बहुत ज्यादा जज बनाने के लिए। नहीं नहीं, मेरे उस्ताद जी ने सारे गामा तो फोन आंदा से। अच्छा, तौबा मेरी या अल्लाह, गाड़ा गोड़ा कट के बंद कर। भाई दो तीन घंटे का तो सेशन होना चाहिए था गालियों का। जे तू कमे तो तेरा नंबर दे दे पागल है, तड़को नंबर ले महल चो इंडिया गाला पैदा बाहर जान की लड़ ही नहीं। नहीं वैसे वो जो फोन कॉल आई थी वो गाले नहीं थी, वो थी साधने सा गा मारे सा पागा रे सा मारे नी सा गमा धनी दा गमा सानी दा दा सागा समा गा सधा धनी दा गमा धनी सानी दा मागरे रे समा गरे सा आ उस्ताद जी मेरा गमा गा 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 समा गा 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 रे सा आ उस्ताद जी मेरी मिठाई वापस करो, मैं बटदा शिकर तो नहीं नहीं छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन वेलकम बैक, वक्त हुआ है तंज और मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय, मैं भी कहूंगा अपने पाकिस्तान दे तमाम मेडिकल स्टोर वाले नु, क्या कि तुसी भी अपने दिमाग दी बत्ती जलाओ। एक ते सलाब दी वजह तो लोग बेचारे बीमार हो रहे ने, बजाय तुसी लोकां नु हेल्प करन दे उन्हां नु महंगीयां गोलियां दिंदे ने, दवाइयां महंगीयां, फिर जाली। ओहो, और जाली ये नहीं है ना कि तीन केस फड़े गए ने, किड्डी ज्यादती वाली गल। बिल्कुल सही बात है, और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि दिमाग की बत्ती जो है वो बंद है। अनफॉर्चुनेटली तालीम है वो भी बिजनेस बन गया है, और जो सेहत है
वो भी बिजनेस बन गया है। अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और इन कामों से तौबा कीजिए। देखना ये है कि आज के हमारे जो सुपर टूपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। इंसान वकील हो और दिमाग की बत्ती रोशन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैम आपसे एक सवाल, चार आपको ऑप्शन देंगे, उनमें से आपने एक को सेलेक्ट करना है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन चार सियासतदानों में से किसने सबसे अच्छे नंबरों में अपना इम्तिहान लॉ का पास किया होगा। ऑप्शन नंबर वन अताह ताड़, ऑप्शन नंबर टू राणा सनाउल्लाह, ऑप्शन नंबर थ्री राणा मशूद एंड ऑप्शन नंबर फोर ज़ैनब उमर। ऑफ कोर्स नंबर फोर। अगला सवाल जी, इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार आपका मोस्ट फेवरेट है। ऑप्शन नंबर वन अनारकली, ऑप्शन नंबर टू देवदास, ऑप्शन नंबर थ्री चंद्रमुखी एंड ऑप्शन नंबर फोर मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा जी, अब मैं कुछ अधूरे मुहावरे बोलूंगा, आपने उनमें कोई भी अपना सियासी बंदा फिट करना है कि ये मुहावरा फला बंदे पे डिटो फिट आता है। बट सब आप भी इसमें अपना लुकमा दे सकते हैं। पहला जो मुहावरा है जो मैं आधा बोलूंगा और बाकी आपने नाम लेके फिट करना है, नाच ना जाने डैश 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 बिलावल भुट्टो। आए, नाच ना जाने बिलावल भुट्टो। बेगानी शादी डैश 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 दीवाना, यहाँ पे तो एक ही बंदा फिट आता है। ले उसका नाम। आपने नाम लिया था क्या? शेख रशीद। चलो जी, खिसियानी बिल्ली उज़्मा बुखारी। आए, खिसियानी बिल्ली उज़्मा बुखारी। हाँ जी बट सब खिसियानी बिल्ली मीरा है। मीरा खिसियानी बिल्ली मीना। चलो जी, अब बट्सअप आपकी बारी, बहुत सी ताली होनी चाहिए इनके लिए। बट्सअप एक महफिल में आप गा रहे हैं। अच्छा। और चार बंदों ने यक मुश्त फरमाइश कर दी है, आप पहली फरमाइश किसकी पूरी करेंगे? चार ऑप्शन पहले सुन लें। ऑप्शन नंबर वन मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बट एगा, एकदम बिलावल भुट्टो उठे हैं, बट्सअप पहले आप ये गाए। दोनों को यूं करके आगे आए मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा कि बट साहब नहीं, मैं इन दोनों से उम्र में बड़ा हूं, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो। और चौथा है इमरान खान। चारों ने ख्वाहिश की है, फरमाइश की है, किसकी फरमाइश पहले पूरी करें? मैं नेशनल एंथम शुरू कर दूंगा, चारों की पूरी हो जाएगी। स्मार्ट आंसर मत दीजिए। अच्छा, इन चारों में से एक की सिलेक्शन कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मौलाना को कभी चांस नहीं मिला? नहीं, मुझे लग रहा है उन्हीं को तो चांस मिला है। नहीं, उनको फरमाइश करने का चांस नहीं मिला वैसे तो। आपको क्या लगता है किस एक्टर पे एज अ प्लेबैक सिंगर आपकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है इन चारों में से? रणबीर कपूर, सलमान खान, शान या फिर तारिक टैडी? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। शौक से क्या खाते हैं, पाए निहारी हरीसा या फिर वलीमा? वलीमा। वलीमा। ताली होनी चाहिए जी। तो नाज़रीन वेलकम बैक। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, लुट चुका है जो वही कौमी खजाना याद है। कल तलक मफरूर था जो नैब को मतलूब था, कल तलक मफरूर था जो नैब को मतलूब था। क्या मुल्क में आकर हलफ उसका उठाया। जिड्डे तुसी अच्छे सिंगर हो, तानू इस मुल्क च पैदा ही नहीं सी होना चाहिए। अच्छा जी, इखलाकन इथों चले जाना चाहिए सी, तानू कम से कम पैदा होना चाहिए सी। किथे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाँ जी, तानू ए भी नहीं सी पता लगना कि तोड़ा मजार किथे है। पुत्र मेरी दुआए जी उस्ताद मोहतरम, जिन्ना तू अदब गोए अल्लाह तेरी खैर करे उस्ताद जी। तू जद्दे एयरपोर्ट ते जावे अल्लाह तेरी खैर करे, तेरे कोलो हीरवन बरामद हो जावे। कभी वापस ना आवे, साडा एसी एंकर ना गुजारा हो रहा। अच्छा ये बताइए ज़ैनब साहिबा, जिस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, किसी का ध्यान आप पे नहीं पड़ा? बहुत। आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोगों को कितने करोड़ ऑफर हुए थे आज, बता दीजिए हमें।
एग्जैक्टली अराउंड फिगर 18 करोड़ 18 करोड़ और आप ये कैश ये मुझे नहीं पता कि कैश देना था या 18 करोड़ डॉलर या 18 करोड़ रुपए नहीं 18 करोड़ रुपए लेकिन आप पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी साढ़े एमपीए डॉलर ना लाए लेकिन ये था कि उस टाइम के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना मुझे अपने घर से गायब रहना पड़ा और क्योंकि हम लोगों को इतने थ्रेट्स थे उस लिहाज से फिर एक क्योंकि मैंने कुछ पटिशन राणा सनाउल्लाह के भी खिलाफ की हुई थी हमजा शरीफ के खिलाफ पटिशन थी इलेक्शन चैलेंज किए हुए थे सो इसलिए मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑन टारगेट थी। इस हुकूमत ने सिर्फ बिजली और पेट्रोल महंगा नहीं किया इसने एमपीए भी महंगा कर दिया है ये बात तो आपकी ठीक है। एक गरीब आदमी ने जब एमपीए खरीदना हो तो बेचारा क्या करे गरीब खरीदेगा ही नहीं क्या गरीब आदमी का हक नहीं है नहीं, क्या उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा नहीं हो सकती कि वो भी एक एमपीए खरीदे अगर मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं एक एमपीए खरीदूं आपने एमपीए करोड़ों का कर दिया मैं कैसे खरीदूंगा मुझे बताएं आप एमपीए खरीद के करेंगे क्या वो तो कुछ करेंगे आप क्या करेंगे एमपीए 4 पावांगा हलफ उठाइए हाथ खड़ा कीजिए और कहिए कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जो कुछ कहूंगा आज सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं ये बताइए भट साहब जब बिजली का बिल अच्छा आज आप देखते हैं तो सबसे पहले जो मुंह से लफ्ज निकलता है वो क्या है नहीं भट साहब भट्टे गाजे ने कह देना जे मैं चाहता हूं कि आज भट सच बोले हमें पता लग गया इंडिया ने पाकिस्तानी सुरीले मिसाइल्स के मुकाबले में एक सुरीला बम निकाला जिसका नाम है अरिजीत अच्छा तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में पुड़पुड़ियों से गाने वाला सिंगर पुड़पुड़ियों से भी गाया जा सकता है यानी कि वो जब भी गाते हैं तो एक तो पुड़पुड़ियों से जोर लगाते हैं शायद और शायद ये जो जबड़े के जोर से वो गाते हैं सारे बॉडी पार्ट्स के नाम ले दिए पहले गले से पेट से और सीने से अब जबड़े से तू तो जेल कट के निकल आया एंकरा मैनू क्यों नहीं नाल पजाया उतों भाई साहब इससे पहले कि मैं उल्टे हाथ की चपेट मारूं आपको सीधे हाथ से फोड़ा निकल गया कि मैं नहीं लाई What do you mean उल्टे हाथ की चपेट अच्छा ये बताइए कि कौन है आप नजर नहीं आऊंगा कि मैं कैदी हूं होलिये साहब लगता है कि आप एक कैदी हैं कैदी हूं मैं आपको क्यों कैद किया गया क्या जुर्म किया था आपने पिछले 7 साल तो इंसाफ दी तलाश चा मैं इंसाफ का ठेका पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी ने उठा रखा है जिसकी सबसे पुरानी वर्कर यहां बैठी है जय इंसाफ लड़ाई अनपढ़ मैनू लगता आप कैदियों का खाना खा जाते मेरे सीधे हाथ से वैसे फोड़ा नहीं निकले होया केस क्या था भाई लाल बूट चोरी हुए ने मेरे अच्छा आज पता लगा ये अन्ना भी है बेटे बूट नहीं है जॉगर है लाल जॉगर चोरी हुए ने मेरे अच्छा फिर ला फिर ये तुम्हारे हाँ अच्छा साहब उतार के मुंह पे मारे मैं मुंह पे मार तो दूं इसने वापस नहीं करना ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੈਦੀ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 9,97,560 ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਚਾਹਤੇ ਕੀ ਹੋ ਯਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਮਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ लेकिन वो तो आजकल सुना लंदन जा चुकी है नहीं लाफ्टर सी तेरा मैं उत्ते बोल पिया माफी चाहना ओ तू आज दा नहीं पिछले पूरे साल तो बोल बेटे मैं समझा तन थक गया मैनू पता नहीं ना हुंदा तैनू भी फिल्म दी आमद हुंदी है सच्ची बात है कैसे हंसी आ रही है इनको बहरहाल गवांडियां दी कुकड़ी अच्छा मेरे घर आके अंडा देंदी सी दाना बाहरों खांदी सी एक दिन वो अंडा देन लगी फिर
बिल्ली पै गई आंडे नू के मुर्गी नू कुकड़ी नू अच्छा उस दिन मेरा अंडा भी रह गया ओ उस कुकड़ी नू जड़ा बिल्ली पई है ओ बिल्ली सी के बिल्ला सी मैं चेक नहीं कीता ओ एफसी कॉलेज दे करीब ते नहीं रहंदे सन गालिबन चौधरी ते नहीं सन गालिबन पुराने साथी ते नहीं सन गालिबन एक सन हुन पाड़ गए ने गालिबन ओके मैं समझ गया हूँ इसका केस क्या है अब क्या चाहते हो हमसे क्या करें हम पिछले 7 साल तो मैं इंसाफ दा मुंतजर हाँ अच्छा गुआंढ़ियों ने कत्ल पा दिता मेरे ते कुकड़ी दा ओके उस कत्ल दे चक्कर च मैं जेल चला गया हूँ ओके एक सेकंड हूँ मैं इंसाफ दी तलाश एक सेकंड ज़ैनब साहिबा बहुत पचीदा केस है तो क्या नतीजा निकलेगा एक कुकड़ी का कत्ल का केस पड़ गया इनके पे और वैसे भी आप कुकड़ियों के तो बहुत अगेंस्ट हैं बाकी तो बात मुझे पता नहीं लेकिन कुकड़ी बहुत कैरेक्टरलेस लग रही है बात सुनो दाना की ओर ना खांदी सी अंडा इन्हें तो कर दें दी सी कोई कैरेक्टरलेस कुकड़ी है ये मैं कल्ला ही नहीं जेड़ा अपने ना करदा गुनाहों की सजा कट रहा मैं जेल दे विच मेरे वर्गे हजारा ने बात सही है ओना कोल वकील दी फीस नहीं बिल्कुल सही वकील नहीं लभदा ना ही ओना नु क जहाजा च बिठा के वापस ले आके हल्फ उठवांदा है यार इतनी सियासत मत झाड़ो और अब जाओ हमने प्रोग्राम खत्म भी करना है चलो जाओ नहीं होनी जमानत निकलो हां वकील साहिबा मेरा केस बहुत पेचीदा है की करना जे मेरा 7 साल और कैद करानी है ये तो ना आप जितने ना मैनू जितने देने बात सुनो हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें कोई अच्छा वकील दें और अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है ज्यादती हुई है तो ये पूरे माशरे का जो है वो फर्ज बनता है कि किसी जो है ना मजलूम के साथ जो है ना उसका साथ देना चाहिए हाँ बट साहब एंट्री मेरी मुक गई है चलिए रोटी खाइए चल कहना जनाब इन वजनी तुम चेना फड़ के खलोते हो रख दे थले असल गल पता की है सारी वड्डी ईद लंघ गई है लेकिन ऐ नहीं भी किया मेरा चल चल यार इस बहाने ते रसीन ते मुक्के चल यार ज़ैनब साहिबा थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो ख़वातीन हज़रात ऐसे कैसे हो सकता है कि फराज़ भट्ट जैसा सुरीला सच्चा फनकार हमारे पास मौजूद हो और हम उनकी परफॉर्मेंस ना देखें तो इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे आज का तंज़ो मज़ा हम ख़त्म करते हैं तो आपकी बात सी तालियों में फराज़ भट्ट